जय जगन्नाथ। शुभ सका। आज सेप्टेम्बर मस 24 तारीख शनिवार ओडिया आसीन मस 8 दिन कृष्णपक्ष। आसतु नजर पकेबा राज्य तथा देश विदेशर प्रमुख खबर उपर। आसतु नजर पकेबा आज प्रथम खबर उपर। राज्य में डेंगू को नहीं चिंता बढ़ी। एभली स्थित सुंदरगढ़ जिलूर आसुवा डेंगू आक्रांत तथ्य ओडिशा स्वास्थ्य विभाग निद हजाई। जिला मुख्य चिकित्साधिकारी सूचना अनुजाई गत वर्ष 1742 डेंगू रोगी चिह्नट होता बेले चलित बर्ष सेप्टेम्बर 21 तारीख सुधा जिले में यह संख्या 114 पहुंची। विभिन्न डेंगू प्रभावित अंचल आसीतिबा लोकों पाई एही संख्या वृद्धि पाई। जिले में 114 चिन्हट रोगी राउरकेलार केवल 99 जन आक्रांत चिन्हट होती। तेणु बेल थाउ एहारो नियंत्रण पाई आवश्यक पदक्षेप ग्रहण करने को दाबी हेउछि। परवर्ती खबर। नकली औषधर कारबार घटनार पुलिस और ड्रग्स नियंत्रण विभाग पक्षर तदंत को जोरदार कर नयासडक अंचल गुरुवार कटक ड्रग्स विभाग पक्षर तीन टी औषध दुकान और स्टकिस्टर चढ़ऊ कर सेठार विपुल परिमाण नकली टेलोमा 40 और टेलोमा एम जबत होता जमापड़ी। यार आनुमानिक मूल्य 20 लाख टंकारु अधिक होबोली विभाग पक्षर सूचना दि जाएगी। नकली औषध कारबार चेर खोजा लगी जिला ड्रग्स नियंत्रण विभाग दुई जनिया दल शुक्रवार गया गस्त कर कार्यक्रम रही। परवर्ती खबर। निज माँ को हत्या करथिबा अभियोगरे हॉलीवुड अभिनेता रियान ग्रंथम को अदालत आजीवन कारादंड दंडित करिछंती। नेटफ्लिक्स रो लोकप्रिय शो रिवरडेलर अभिनय करथिबा 24 वर्षीय रियान ग्रंथम को तांको माँ को हत्या करथिबा अभियोग होइछि। 6 मास पूर्वे से कोर्टे निज दोष स्वीकार करथिले आउ एबे तांको आजीवन कारादंड दंडित करा जाइछि। कोर्टों निर्देश अनुजाई रियान जीवन में केबे हेले बंदूक व्यवहार करिपारिबे नाही। एथिसह जेल रे रहिबार 14 वर्ष पर्यंत तांकु पारोलरे मुक्त करा जीवन नाही। परवर्ती खबर। वर्षा और बन्या जो क्षुद्र जलसेचन 250 प्रकल्प क्षतिग्रस्त होती। 400 घाई होता बेले प्राय 10 कोटी टंकार क्षयति आकलन कर। अन्य पक्षरे वर्षा परे मरामती काम आरंभ हो मार्च सुधा शेष हो क्षुद्र जलसेचन संस्था पक्षर कहुई। मिलता सूचना अनुजाई 20 जिले में क्षुद्र जलसेचन संस्थार 250 प्रकल्प क्षतिग्रस्त हो। परवर्ती खबर। कार्तिक मास रे दिन 12 सुधा भक्त को मिल महाप्रसाद। भोर 4 खोल श्रीमंदिर द्वार। सका 5 मंगल आरती एवं 6:30 रु 7:30 मध्य ठाकुर को राधा दामोदर बेश करा जिवो। दिन 10:00 रु 10:30 मध्य बाड़धूप करा जिवो। भक्त माने जेपरी श्रृंखलित भावे ठाकुर को दर्शन करिपारिबे सेथिपाई व्यवस्था करा जिवो। अक्टोबर 31 रे ठाकुर को हरिहर बेश। नवेम्बर 4 ठियाकिया लक्ष्मीनारायण बेश। 5 पामन बेश। 6 डाड़िकिया त्रिविक्रम बेश। 7 लक्ष्मी नृसिंह बेश। नवेम्बर 8 कार्तिक पूर्णिमा दिन राजधिराज बेश करा जिवो। सेहीपरी नवेम्बर 4 हरि उत्तापन एवं 5 गरुड़ उत्तापन नीति अनुष्ठित हेबो। अक्टोबर 25 मंगलवार अमावस्या तिथि केतुग्रस्त खंडग्रास सूर्यपराग नीति पालन करा जिवो। परवर्ती खबर। जातीय स्तर रे ओडिशा को गोटिए परे गोटिए सफलता मिलिबारे लागिछि। द्रौपदी मुर्मू देशर सर्वोच्च राष्ट्रपति पद अलंकृत करिबा परे भारतीय हॉकी टीम रो पूर्वतन अधिनायक दिलीप तिर्की हॉकी इंडिया रो सभापति भाबे निर्वाचित होइछंती। बिना प्रतिद्वंदिता रे से निर्वाचित होइथिबा सूचना मिलिछि। हॉकी इंडिया सभापति पद पई प्रार्थीपत्र दाखल करथिबा अन्य 2 जन सेमानक नामांकन प्रत्याहार करिबा परे दिलीप बिना प्रतिद्वंदिता रे निर्वाचित होइछंती। प्रथम ओडिया भावे से एहि पदवी को निर्वाचित होइछंती। परवर्ती खबर। पात्रपुर ब्लॉक सामंतरापुर पंचायत अंचल चरारे आंध्र को ट्रैक्टर जगे सागवान काठ चालाण उद्यम जंगल विभाग चढ़ऊ फल पंड होती। आज भोर समय आंध्र को काठ चालाण होता सामंतियापल्ली रेंजर खबर पाइबा सहित टीम सह जगी रही थिले।
ଏହି ସମୟରେ ପଞ୍ଚାମ ନାରାୟଣପୁର ଛକ ନିକଟରେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଶାଗୁଆନ କାଠ ବୋଝେଇ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଅଟକାଇବା ସହିତ ଜବତ କରିଛନ୍ତି। ଚରାରେ କାଠ ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଦୁଇ ଜଣ ଆନ୍ଧ୍ର ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ଜିଲ୍ଲାର ଅର୍ଜୁନ ନାୟକ ଓ ଏବଂ ଗୌଡ଼ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମହେନ୍ଦ୍ରା ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯୋଗେ ସେହିମାନେ 30 ଗୋଟି କାଠଗଣ୍ଡି 23.229 CFT କାଠ ନେଉଥିବା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ଚଢ଼ଉରେ ରେଞ୍ଜର ମନୋଜ କୁମାର ପାତ୍ର, ଫରେଷ୍ଟର ରତ୍ନ କୁମାର ବେହେରା, ଗାର୍ଡ଼ ତରୁଣେଶ୍ୱର ଶବର ପ୍ରମୁଖ ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ମାଲକାନଗିରି ଏବଂ କନ୍ଧମାଳର ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳରେ ଗମନାଗମନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଦୃଢ଼ ନଥିବାରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। କେତେବେଳେ ରୋଗୀ ଖଟିଆରେ ବୁହା ହେଉଛି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। କେଉଁଠି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ରାସ୍ତା ଅଭାବରୁ ରୋଗୀ ଦୁଆର ମୁହଁକୁ ଯାଇ ନପାରି ଅଧା ବାଟରେ ଅଟକି ରହୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ଚିତ୍ର ପାଲଟିଛି। ଫଳରେ ଚିକିତ୍ସା ବିଳମ୍ବରୁ ଅକାଳରେ ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଉଛି। ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚାଇବା କଷ୍ଟକର ହେଉଥିବାରୁ ବାଟରେ କେତେବେଳେ ପ୍ରସବ ହେଲାଣି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଉଭୟ ପ୍ରସୂତି ଓ ନବଜାତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଶିଶୁ ଓ ମାତୃମୃତ୍ୟୁ ହାର କମିଥିଲେ ବି ଏହା ସେତେଟା ଉତ୍ସାହପ୍ରଦ ନୁହେଁ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳାଇବା ଲାଗି ରେଡ଼୍କ୍ରସ୍ ଓଡ଼ିଶା ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ନର୍ସିଂହୋମ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା 2 ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଏହି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଜରୁରୀ ଚିକିତ୍ସା ଦିଆଯିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କଟକ ସ୍ଥିତି ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବବୃହତ୍ ରେଡ଼୍କ୍ରସ୍ ରକ୍ତଭଣ୍ଡାରକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ଲଡ୍ ୟୁନିଟ୍ ବସ୍ ଆସିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ବସ୍ ଦ୍ୱାରା କଟକ ରକ୍ତଭଣ୍ଡାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଧିକ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରାଯାଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଓଡ଼ିଶାର ସୁପରଷ୍ଟାର ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ଥିବାରୁ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ପାଖରେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ତୃପ୍ତି ରହି ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ଦେଖାଶୁଣା କରୁଛନ୍ତି।